हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शिवानी। आज हम लोग लॉ 37 की बात करेंगे, जो कि है ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड। तो इसमें यह रहता है कि दोनों में से कोई भी बैट्समैन आउट हो जाएगा अगर जब बॉल वाइल इन प्ले ही और शी विलफुली अटेम्प्ट्स टू ऑब्स्ट्रक्ट और डिस्ट्रैक्ट द फील्डिंग साइड बाय वर्ड और एक्शन। कुछ वो ऐसे वर्ड्स अटर करें या कुछ ऐसे एक्शन करें जिससे वो फील्डिंग साइड को डिस्टर्ब करें, बॉल की फील्डिंग में ऑब्स्ट्रक्ट करें, तब वो आउट हो सकते हैं दोनों में से कोई भी बैट्समैन। अगेन द स्ट्राइकर, वो जब ही इज़ इन द एक्ट ऑफ रिसीविंग अ बॉल डिलीवर्ड बाय द बॉलर, अगर वो विलफुली स्ट्राइक करता है बॉल को विथ अ हैंड नॉट होल्डिंग द बैट, देन अगेन ही इज आउट। तो ये सारे जो क्राइटेरिया रहते हैं ये ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड में ही आते हैं, और इसमें वो भी क्राइटेरिया व्हेन ही इज लॉफुली स्ट्रकिंग द बॉल अ सेकेंड टाइम। सेकेंड टाइम में भी अगर वो दूसरे हाथ से करता है या उस हाथ से करता है जिसमें उसने बैट नहीं होल्ड कर रखा है, तब भी ही इज कंसिडर्ड एज आउट। और तीसरी बड़ी बात है कि इसमें नो बॉल का क्राइटेरिया नहीं कंसिडर कराया जाता है। इवन इफ इट्स अ नो बॉल, इफ़ द एनी ऑफ द बैट्समैन आर ट्राइंग टू ऑब्स्ट्रक्ट द फील्ड देन दे आर आउट। इफ़ द स्ट्राइकर इज ऑल्सो ट्राइंग टू कॉज ऑब्स्ट्रक्शन इन द फील्डिंग, ही इज़ आउट और ही इज़ लॉफुली और स्ट्राइकिंग द बॉल बट ही इज़ इन द सेकेंड अटेम्प्ट ही इज़ stopping the ball from the hand which is not holding the bat। तो ये obstructing the field में out होता है। अब जब किन किन conditions में not out रहता है obstructing the field में, उसमें यह रहता है कि जो obstruction या distraction batsman ने cause किया वो accidental था, वो मतलब उसने जानबूझ के नहीं किया, it was only accidental। और second है कि in order to उसने obstruction cause किया in order to avoid injury। तो उसमें ये क्या रहता है कि जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्टिंग अ बॉल फ्रॉम बीइंग कॉट, तो उसमें ये रहता है कि अगर ऑब्स्ट्रक्शन या जो सेकेंड स्ट्रोक रहता है बॉल लॉफली स्ट्रक टॉइस, उसमें अगर कैच वाले प्रोसेस को उन्होंने ऑब्स्ट्रक्ट करा तो वो आउट करार दिए जाते हैं बैट्समैन। तो उसमें नो बॉल में भी वही चीज़ जो कंडीशन पहले थी कि नो बॉल जो है इसमें कंसिडरेशन में नहीं ली जाती, नो बॉल पे भी आउट दिया जाता है। फिर इसमें यह रहता है कि रन्स स्कोर्ड में क्या रहता है, तो अब इसमें क्या रहता है कि जब आउट बैट्समैन डिसमिस्ड हो जाता है ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड में, तो उसमें अगर ऑब्स्ट्रक्शन ने बैट्समैन के ऑब्स्ट्रक्शन ने कैच को प्रिवेंट नहीं करने की कोशिश की, तो कोई भी रन्स कंप्लीटेड बाय द बैट्समैन अलोंग विद द पेनाल्टीज अवॉर्डेड विल बी स्कोर्ड। और अगर बैट्समैन ने कैच को ऑब्स्ट्रक्ट करा तो उनको रन्स स्कोर्ड नहीं दिए जाएंगे, उनको सिर्फ पेनाल्टी ही जो देंगे अंपायर्स वो स्कोर की जाएगी। तो अब इसमें एक और हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जिसके क्वेश्चंस बनते हैं कि इसमें जो होता है बॉलर डज नॉट गेट दी क्रेडिट ऑफ फॉर दी विकेट, मतलब जब बैट्समैन आउट होता है ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड में उसमें बॉलर को क्रेडिट नहीं मिलता है, वो विकेट बॉलर के खाते में नहीं जाता है, वो टीम के खाते में जाता है। तो ऐसे हमारे जो फर्दर जो आएंगे लॉज उनमें भी यही चीज़ रहेगी। तो सबसे पहला अपना जो ये लॉ था ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड, उसमें जो आउट होता है बैट्समैन उसका क्रेडिट बॉलर को नहीं जाता है। फिर उससे पहले भी जो हम लोग ने करा था हिट द बॉल ट्वाइस, उसका भी क्रेडिट बॉलर को नहीं जाता है, हिट विकेट का जाता है। फिर रन आउट का क्रेडिट नहीं जाता है बॉलर को, स्टम्प्ड का जाता है। और टाइम्ड आउट जो अभी आएगा उसका भी क्रेडिट बॉलर को नहीं जाता है। तो दैट्स इट फ्रेंड्स, हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे रन आउट की। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, बाय फॉर नाउ, बाय।